हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नजीम नाइम ऑफिशियल। हम सभी को पता है वर्ल्ड का बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट है अमेज़न, जिसका ज़्यादातर पोर्शन नॉर्थ वेस्टर्न ब्राज़ील के अंदर पड़ता है। इस रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई यहीं से आती है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर अमेज़न इसी रेन फॉरेस्ट के अंदर से बहता है। डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज का घर है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और आज के वीडियो में हम इस बायोडायवर्सिटी और ट्राइब्स के अंदर जो रेयर चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ज्यादातर ट्रीज 80 से 100 फीट लंबे होते हैं। इन्हीं ट्रीज के ब्रांचेस मिलकर कैनोपी लेयर तैयार करते हैं। ये लेयर बहुत मोटा होने की वजह से सनलाइट का सिर्फ 1% ही जमीन को टच कर पाता है। बारिश के वक्त रेन ड्रॉप्स को ग्राउंड टच करने में भी 10 मिनट्स लग जाते हैं। इस रेन फॉरेस्ट में अमेज़न रिवर के अलावा एक और रिवर है, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। कभी कभी टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, इसीलिए इसको बॉयलिंग रिवर कहा जाता है। अमेज़न में सभी चीज बहुत बड़ी होती है। यहाँ का वाटर लिली इतना स्ट्रॉन्ग और बिग होने के वजह से इसके ऊपर एक एवरेज वेट का इंसान भी बैठ सकता है। अमेज़न में वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया मिलता है। इसकी कोई रूट्स और लीव्स नहीं होते। रेफ्लेसिया की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें से रॉटन मीट की स्मेल आती है। अमेज़न का एक और अनोखा फ्लावर है कॉर्प्स फ्लावर। इस नाम से आप सभी को शायद लग रहा होगा कि ये एक खतरनाक फूल है, पर असल में ये फ्लावर जब ब्लूम होता है तब बहुत गंदी स्मेल आती है, इसीलिए इसको कॉर्प्स फ्लावर कहा जाता है। इस जगह का एक और अनोखा क्रिएचर है जीसस लिजर्ड, जो पानी के ऊपर चल सकता है। ज्यादातर वक्त ये लिजर्ड शिकार करने के लिए या तो कोई डेंजर से बचने के लिए पानी के ऊपर चलता है। बहुत सारे मूवीज में हम लोग देखते हैं पिरानास कैसे इंसानों का शिकार करता है, लेकिन असलियत में पिरानास मैन ईटर्स नहीं होते हैं। ये मेनली श्रिम्प और वॉर्म्स खाते हैं। वर्ल्ड का बिगेस्ट और डेडलीस्ट स्नेक ग्रीन एनाकोंडा का घर है अमेज़न। एक बड़े शिकार को खाने के बाद एनाकोंडास कुछ महीने खाने के बिना जी सकते हैं। सभी स्पाइडर एग्स का बंडल अपने सैक में रखते हैं, लेकिन सिल्क हिंज एक ऐसा रेयर स्पाइडर है जो एक एक सैक में सिर्फ एक ही एग देता है। इस जगह के खतरनाक टैरेंटुलास का एक बाइट इंसानों के लिए मधुमक्खी के स्टिंग जैसा होता है। ऐसे स्केरी लुकिंग स्पाइडर्स का खाना नॉर्मल स्पाइडर्स जैसा नहीं होता। ये टैरेंटुलास डेली चूहे और मेंढक खाते हैं। सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पानी में पिंक डॉल्फिन्स मिलते हैं। इनको अमेज़न रिवर डॉल्फिन्स भी कहा जाता है। हमारे आसपास फ्रॉग्स कितने इनोसेंट होते हैं, लेकिन अमेज़न में फ्रॉग्स भी पॉइजनस होते हैं। पॉइजन डर्ट फ्रॉग्स एक ऐसा क्रिएचर है जिसके स्किन से पॉइजन निकलता है। ये फ्रॉग पॉइजन से अपने शिकार को पैरालाइज्ड कर देता है और कभी कभी मार भी डालता है। आप सभी ने डिस्कवरी चैनल या फिर नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर ट्रांसल्यूसेंट फ्रॉग को तो देखा ही होगा। इसका स्किन बहुत पतला होने से इनर ऑर्गन्स भी बाहर से देखा जा सकता है। इस रेन फॉरेस्ट में 2000 साल पुराने जियोमेट्रिक अर्थवर्क्स मिला है। उस वक्त से अमेज़न बहुत सारे ट्राइब्स का घर है। इस सेंचुरी में 400 अलग तरह के ट्राइब्स अमेज़न में रहते हैं। सभी ट्राइब डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं। कुछ ट्राइब्स बाहर के इंसानों से इंटरेक्शन करते हैं, जिससे इनको वेस्टर्न मेडिसिन और एजुकेशन मिलता है, लेकिन इन लोगों का इम्यूनिटी हमारे जैसा नहीं होता। जिस भी ट्राइब के लोग बाहर की दुनिया में जाते हैं उनको बीमार होना पड़ता है। पिरिपकुरा, कावाहिवा, कोरुबो ऐसे ट्राइब्स के ऊपर आउटसाइडर्स ने जमीन हड़पने के लिए बहुत बार अटैक भी किया था, जिससे काफी ट्राइब मेंबर्स की मौत हो गई थी। कभी कभी आउटसाइडर्स से इन्फ्लुएंजा, मीजल्स जैसे डिजीज से इन्फेक्टेड होकर 50% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। कुछ ट्राइब्स है जो आउटसाइडर्स और दूसरे ट्राइब्स से भी कोई कांटेक्ट करना नहीं चाहते हैं। इन्हें अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है। आउटसाइडर्स को अपने हैंडमेड वेपन्स से ये लोग मार डालते हैं। अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स को पता है कैसे आउटसाइडर्स के वजह से कुछ ट्राइब्स खत्म हो चुके हैं।
इसीलिए अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग ऐसे आइसोलेटेड रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।